हाय गाइस, मैं सियाराम और आज आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास की मैथ, जिसमें हम फुल अभ्यास 7.6 करने वाले हैं। इस पूरे अभ्यास में आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो इसमें कुछ रूल हैं जो हम आपको पहले बताएंगे, उसके बाद अभ्यास को कराएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक आप लोग अवश्य बने रहें, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस अभ्यास में, अभ्यास 7.6 में हम खंडसा समाकलन कह सकते हैं कि इससे पहले जो हमने समाकलन किया उसमें केवल वन पार्ट मिल रहा था। अब एक ऐसा समाकलन होगा जिसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे, कहें तो उसमें डबल फंक्शन ऐड रहेंगे। कैसे होंगे? डबल फंक्शन रहेंगे। तो उस डबल फंक्शन को करने के लिए हमें खंडसा समाकलन की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आइलेट रूल लगता है। खंडसा समाकलन में आइलेट रूल लगता है। तो ये आइलेट रूल क्या है, इसके बारे में आपको फुल जानकारी देंगे। तो इससे पहले आप समझ लें कि खंडसा समाकलन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो खंडसा समाकलन का सूत्र क्या होता है उसके बारे में आप पहले समझिए। सपोज दैट, मान लिया हमारे पास यू और बी इस प्रकार से फंक्शन दिया है, यू और बी इस प्रकार से फंक्शन दिया है। ठीक है, तो इसको हम बी के सापेक्ष इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए, इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। ठीक है, तो खंडसा समाकलन में क्या होता है, खंडसा समाकलन में कि जो पहला फंक्शन है u है, तो ये वाला ऐसे ही होगा। ठीक, पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है बी, दूसरा क्या है बी। ठीक है, फिर यहाँ पर डी बी आ जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रेकड होती है, फिर क्या आता है, पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का अवकलन। पहले चाहो तो आप यहाँ पर x भी ले सकते हैं, इस प्रकार से x के सापेक्ष कर लो तो यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा। तो फिर से सुन ले, पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस फिर इंटीग्रेशन, फिर ब्रेकड, फिर पहले फंक्शन का डी, पहले फंक्शन का डी ओवर डी एक्स, पहले फंक्शन का अवकलन, फिर इंटीग्रेशन, दूसरे का समाकलन और ब्रैकेट बंद और बाहर डी एक्स। इसको आप इन अंकों में भी लिख सकते हैं कि पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फिर पहले का अवकलन और दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन डी एक्स ब्रेकेट बंद और बाहर डी एक्स। ठीक है, मतलब इस इंटीग्रेशन का फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये फार्मूला होगा। तो हम कौन सा फर्स्ट फंक्शन माने, कौन सा सेकंड फंक्शन माने, इसके बारे में आपको आइलेट रूल के आइलेट रूल मैंने लिखा है, बताया है, इसके हिसाब से इसके अनुसार हम लगाएंगे। वो क्या है आइलेट रूल, देखिए आई फोर इनवर्स, आपको जितने भी फंक्शन इनवर्स में मिलेंगे, जैसे सपोज दैट साइन इनवर्स हो गया, कॉज इनवर्स हो गया, टैन इनवर्स हो गया, तो इनवर्स के जितने भी फंक्शन मिलेंगे उनको आप सबसे पहले लोगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स को पहला फंक्शन मानेंगे, साइन इनवर्स हो, कॉज इनवर्स हो, मतलब इनवर्स का कोई भी फंक्शन हो उसको हम पहला फंक्शन मानेंगे। क्लियर है ना? दूसरा एल से लॉग, अब यहाँ पर लॉग के जितने भी फंक्शन मिलेंगे आपको, जैसे लॉग एक्स है, लॉग वाई है, लॉग जेड है, लॉग टी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या है कि दूसरे नंबर पे हम लॉग को वरीयता देंगे, लॉग वाले फंक्शन को वरीयता देंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे अलजेब्रिक, अलजेब्रिक बोले तो यहाँ पर फंक्शन आपका जैसे एक्स स्क्वायर होगा या एक्स क्यूब होगा या टू एक्स होगा, इस प्रकार से अलजेब्रिक फंक्शन मिलेगा। कहें तो फंक्शन चर संख्या में होगा, किस में होगा, फंक्शन चर संख्या में होगा। ठीक है, चौथे नंबर पर आता ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसमें आपको
इस प्रकार से मिलेगा, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है या टेन थीटा है, ठीक है। तो चौथे नंबर पे हम त्रिकोणमिति वाले फंक्शन को वरीयता देंगे, और पांचवें नंबर वाले को इसको हम चर घातांकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चर घातांकीय, घातांकीय भी बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? चर घातांकीय फलन या चर घातांकीय फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी फंक्शन होगा उसकी पावर चर संख्या होगी, उसकी पावर चर संख्या होगी। जैसे ए की पावर 2x है, ए की पावर x है, तो यहाँ पर जो किसी भी फंक्शन की घात किस में होगी? किसी भी फंक्शन घात चर संख्या होगी, ठीक है। तो सबसे लास्ट में हम इसको वरीयता देंगे। तो चलिए अब अभ्यास को शुरू करते हैं, अभ्यास में ये चीज और आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक। इसको नोट कर लें। देखिए पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x और साइन x और dx, ठीक है। अब आई लेट में देखें, इन्वर्स वाला तो आई फॉर इन्वर्स, इन्वर्स वाला तो इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो i से हमें कोई भी मतलब नहीं है। एल फॉर log, log का भी फंक्शन इसमें भी नहीं है। a फॉर algebraic, algebraic मतलब क्या होता है? x है, 2x है, जो फंक्शन चर संख्या में हो वो algebraic होगा। तो यहाँ पर x क्या है? algebraic है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। क्या मानेंगे? पहला फंक्शन मानेंगे। और t फॉर trigonometry मतलब त्रिकोणमिति का फंक्शन, तो a पहले आया है, algebraic पहले, तो इसको पहला फंक्शन, और ये त्रिकोणमिति फंक्शन है, ये बाद में आया है, इसको सेकंड फंक्शन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा सूत्र? पहले मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपको, इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या करना है कि पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट पहले का अवकलन, पहले का अवकलन और इनटू में यहीं पर दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन ब्रैकेट बंद और dx, इस प्रकार से इसको आप यूज कर लें, ठीक है। तो देखो पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन sin x और dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, अब है पहले फंक्शन का अवकलन d ओवर dx, पहला फंक्शन क्या है? x, तो x लगा दिया, इंटू दूसरा फंक्शन इंटीग्रेशन, दूसरा फंक्शन क्या है? साइन एक्स, साइन एक्स लगा दिया और डी एक्स ब्रेकेट बंद और बाहर भी डी एक्स। एक बार फिर से समझ लें आप, एक्स पहला फंक्शन है, साइन एक्स दूसरा फंक्शन है, ये पहला ये दूसरा क्यों माना? क्योंकि ये एलजेब्रिक है, ये त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति से पहले एलजेब्रिक आ रहा है, तो एलजेब्रिक को पहला फंक्शन कहोगे और त्रिकोणमिति बाद में आ रहा है, इसलिए इसको दूसरा फंक्शन कहोगे, ठीक है। तो उस फार्मूला था, पहला पहले और दूसरे फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रेकेट है पहले का अवकलन, फिर इंटीग्रेशन दूसरे का, दूसरे का क्या है? इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे फंक्शन का भी इंटीग्रेशन होगा। तो हमने बताया, देखिए पहला फंक्शन जहाँ था, जहाँ पहला फंक्शन था वहाँ एक्स है, देखो पहला फंक्शन एक्स है, तो पहला फंक्शन एक्स लगा दिया, दूसरा क्या है? साइन एक्स, तो साइन लगा दिया, माइनस की जगह माइनस इंटीग्रेशन ब्रेकेट डी ओवर डी एक्स, पहला फंक्शन एक्स है, इंटीग्रेशन दूसरा फंक्शन साइन एक्स है, पूरी वैल्यू लगा दी। आप इसको कर लें आप, ठीक है, एक्स, तो देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स होता, तो माइनस पहले लगा दें, माइनस कॉज एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रेकेट x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होगा? वन होगा, क्या होगा? वन इंटू साइन का कितना होगा? माइनस कॉज x, साइन का इंटीग्रेशन हो रहा है, x का अवकलन हो रहा है और साइन का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस कॉज x, ठीक है, और dx, ठीक। तो माइनस x कॉज x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस होगा, इंटीग्रेशन कॉज x और dx, ठीक है। तो माइनस एक्स कॉज
कॉज एक्स, अब कॉज का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है। अब प्लस सी, चाहो तो ये पहले लिख लो प्लस वाली, साइन एक्स माइनस एक्स कॉज एक्स और प्लस सी, ठीक है। चलिए नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स और साइन थ्री एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो देखिए एलजेब्रिक पहले है तो ये पहला फंक्शन हो जाएगा, त्रिकोणमिति बाद में आती है तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। फार्मूला क्या था, पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक, डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बंद, अब इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वैल्यू लगा दीजिए आप। तो पहला फंक्शन एक्स है, दूसरा क्या है साइन थ्री एक्स है, ठीक है, और डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट पहले का अवकलन मतलब एक्स का डी ओवर डी एक्स, एक्स का अवकलन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन किसका, साइन थ्री एक्स और डी एक्स, ब्रेकेट बंद और डी एक्स, ठीक है। चलो एक्स साइन का देखिए कितना आएगा, माइनस कॉज, जो कोण अब कोण आ जाएगा। अभी साइन का इंटीग्रेशन हुआ, जो कोण अब कोण आ गया, अब कोण का करेंगे अपकलन, कोण का क्या करेंगे अपकलन, अपकलन कहाँ आता है बटे में, तो एक्स का बन हो जाएगा, तो कितना बचा थ्री बचा, ठीक है, कितना बचा थ्री। अब माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट एक्स का अवकलन कितना होगा, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन वन होता है, इंटू साइन का कितना आएगा इंटीग्रेशन माइनस के कॉज, जो कोण है वो कोण आ जाएगा, ठीक है। अब कोण का करेंगे अवकलन, तो एक्स का क्या आ जाएगा वन, तो कितना बचा थ्री, तो अवकलन क्या करेंगे, अवकलन जो आएगा वो नीचे आएगा, ठीक। फिर से सुन ले, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉज, जो कोण है वो कोण आ गया, अब कोण का अवकलन करेंगे वो कहाँ आएगा नीचे, तो एक्स का वन कितना बचा थ्री बचा और डी एक्स, ठीक। तो ये माइनस एक्स कॉज थ्री एक्स अपॉन थ्री, अच्छा माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया, एक बटे तीन बाहर निकालो, इंटीग्रेशन कॉज थ्री एक्स अपॉन, अपॉन में कुछ भी नहीं है, अपॉन वाली चीज़ हमने बाहर निकाल ली, सही है। तो कॉज थ्री एक्स और डी एक्स बस कर लो, माइनस एक्स कॉज थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस वन बाई थ्री। अब देखो कॉज का इंटीग्रेशन साइन, जो कोण है वो कोण आ गया, अब कोण का करेंगे अवकलन, अवकलन कहाँ आता है वन आता, अवकलन बटे में आएगा, सही है। तो कॉज का इंटीग्रेशन साइन, जो कोण है वो कोण आ गया, अब कॉज का तो इंटीग्रेशन किया और कोण का क्या करेंगे अवकलन, अवकलन कहाँ आएगा नीचे, तो एक्स का वन हो जाएगा, तो कितना बचा थ्री बचा, ठीक। तो वन बाय थ्री तो सभी में से कॉमन आ ही रहे हैं, वन बाय थ्री, तो आप एक बटे तीन कॉमन ले लो और प्लस वाली संख्या पहले लिख लो, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री और साइन थ्री एक्स माइनस, ये तो तीन बाहर चले गए, एक्स कॉज थ्री एक्स, सही है, ये तीन तो बाहर चले गए और प्लस सी। चलो नोट कर लो जल्दी से। आप इसको इतना भी लिख सकते थे तब भी कोई भी दिक्कत नहीं थी, कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री, तो ये कितना प्लस साइन थ्री एक्स और ये तीन तियाँ नौ प्लस सी, इतना ही भी ले सकते थे या कॉमन लेकर लिख दो, ठीक है, वो आपकी मर्जी, नोट कर लो जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी दो फंक्शन बन रहे हैं, तो इनवर्स वाला तो दिया नहीं है, लॉग वाला भी नहीं दिया है, एलजेब्रिक दिया है एक्स स्क्वायर, तो एलजेब्रिक पहले आ गया और ई की पावर एक्स ये चरघातांकीय बना, मतलब ई क्या बना, चरघातांकीय, ये सबसे लास्ट में तो ये दूसरा बना, ठीक है। तो लगा दो, क्या है पहला फंक्शन ऐसा ही, अब सीधे लगा रहा हूँ, सूत्र तो लगभग आपको याद हो चुका होगा। तो पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर माइनस होता है, फिर इंटीग्रेशन होता है, फिर ब्रेकेट होती है, ठीक। फिर पहला फंक्शन का अवकलन डी ओवर डी एक्स, पहले का अवकलन, ठीक है, इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है ई की पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है, और डी एक्स। अब देखिए आप, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है, इंटीग्रेशन, फिर ब्रेकेट है, पहले ब्रेकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के ही सापेक्ष है, तो कितना आएगा 2x आएगा इंटू ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही होगा, क्या होगा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा, और बाहर क्या है डी एक्स, ठीक। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स मान इस 2 को बाहर कर लो, ठीक है, ब्रेकेट इंटीग्रेशन एक्स और ई की पावर एक्स। अब आप यहाँ देखेंगे, देखिए अब यहाँ पर फिर से दो फंक्शन बन गए, फिर से दो फंक्शन बन गए, ये पहला फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू ब्रेकेट, फिर फार्मूला लगा दीजिए, पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या है ई की पावर एक्स, फिर डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रेकेट, तो पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर पहले फंक्शन का अवकलन डी ओवर डी एक्स, किसका एक्स का, फिर दूसरे का इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, और डी एक्स ब्रेकेट बंद, इस प्रकार से ब्रेकेट बंद करो और डी एक्स, ठीक है, आइए बड़ी ब्रेकेट, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू। अब एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा, माइनस आ गया, ब्रेकेट एक्स का अवकलन कितना होगा वन होगा, इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा, ठीक है, और ये वाला इंटीग्रेशन ये बाहरी रहेगा, और क्या रहा ये डी एक्स और ये, ठीक। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू, चाहो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, टू एक्स और ई की पावर एक्स, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, टू और ई की पावर एक्स का फिर से इंटीग्रेशन करो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा और प्लस सी। अब सभी में देखो क्या चीज़ कामन है, ई की पावर एक्स कामन है, तो कितना बचा एक्स स्क्वायर बचा, माइनस के टू एक्स बचे, अब यहाँ से ये काम लगे तो प्लस के टू और प्लस सी। चलो नोट कर लो जल्दी से, चौथा इंटीग्रेशन एक्स और लॉग एक्स और डी एक्स। देखिए इसको इनवर्स तो है नहीं, इसमें लॉग लॉग आ गया, लॉग आ गया तो ये पहला फंक्शन होगा, और लॉग पहले है एलजेब्रिक बाद में, एल फोर लॉग ए फोर एलजेब्रिक, तो एलजेब्रिक बाद में है और लॉग पहले है, तो लॉग पहले तो इसको पहला फंक्शन, एलजेब्रिक बाद में है तो एक्स को दूसरा, क्योंकि एक्स क्या है एलजेब्रिक फंक्शन है, और ये लॉग एक्स क्या है, ये लॉग लॉग एक्स वाला लघु गुणक का फंक्शन है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, चलो इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं इस प्रकार से,
लॉग एक्स इंटू एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। वरना जो मैंने आइलेट वाला रूल बताया इसी को आप अप्लाई करें कि एक्स एलजेब्रिक है तो एलजेब्रिक जो है बाद में आया है, लॉग वाला पहले आता है तो लॉग वाला पहले मानोगे, एलजेब्रिक बाद में आता है लॉग के तो ये एलजेब्रिक दूसरा फंक्शन मानोगे, बाद का फंक्शन मानोगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, पहला फंक्शन ऐसा ही लगा दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या है एक्स, ठीक है, और डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रेकेट पहले का अवकलन, पहला फंक्शन क्या था लॉग एक्स, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन डी एक्स ब्रेकेट बंद और डी एक्स, ठीक है। तो लॉग एक्स, अब देखिए एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, क्यों, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसकी जो पावर होती है उस पावर में एक जुड़ जाती है, एक तो है ही तो एक और जुड़ गई दो, तो जितनी पावर ऊपर होती है उतनी संख्या नीचे होती है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर वाले पहले संख्या सॉल्व करो, ठीक है। तो लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, ठीक, तो लॉग एक्स का अवकलन क्या आएगा वन अपॉन एक्स आएगा, क्लियर। अब एक्स का क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू आएगा और डी एक्स, ठीक। तो लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस, अब देखो यहाँ से एक एक्स कट जाएगा, ठीक है, एक एक्स कट जाएगा, एक बटे दो तो बाहर निकाल लो, तो कितना बचा अपना एक एक्स बचा, क्या बचा एक एक्स बचा और डी एक्स बचा, इसका इंटीग्रेशन कर लें दोबारा से, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन टू, ये चीज़ हमने पहले लिख ली इंटू में, इसलिए वन अपॉन टू, तो x का क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस सी, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक घात तो होती ही है, सही है, एक घात है इस पे तो एक और जुड़ जाएगी, दो हो जाएगी, दो पर दो नीचे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन टू ये कॉमन भी ले सकते हैं आप, तो कितना बचा लॉग एक्स माइनस एक बटे दो प्लस सी, इतना भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दो दूनी चार और प्लस सी, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा और ये भी आंसर अपना करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लें जल्दी से, चलिए अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स लॉग टू एक्स और डी एक्स, एक्स लॉग टू एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो देखिए एक्स है एलजेब्रिक, ये एलजेब्रिक बोलने तो बीजगणितीय फंक्शन है और ये लघुगुणक फंक्शन है, तो बीजगणित वाला बाद में आता है, लघुगुणक वाला पहले आता है, देखो आयल पहले आयल फोर लघुगुणक हिंदी में बोले तो लॉग वाला, तो ये पहला हो गया, ठीक है, और एलजेब्रिक बोले तो बीजगणितीय फंक्शन, तो एक्स क्या बीजगणितीय फंक्शन है, ये बाद में आया है तो ये दूसरा फंक्शन मानेंगे, ठीक है, लगा लो इसको। तो पहला फंक्शन ऐसा ही लॉग टू एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स का, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रेकेट, अब क्या करें, पहला ऐसा ही दूसरे का इंटीग्रेशन, अब पहले का अवकलन किसका log 2x का, log 2x का, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन दूसरे का इंटीग्रेशन और बाहर भी dx, ठीक है। तो देखो log 2x, x का क्या आएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू आएगा, माइनस इंटीग्रेशन पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्या सॉल्व करो, तो log 2x का क्या आएगा, log 2x का करेंगे क्या अवकलन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष से, ठीक है, तो log 2x का अवकलन क्या आएगा, log x का होता है 1 अपॉन x और x की जगह कितना है 2x है तो 2x आ जाएगा। अब कोण का करेंगे, अभी तो log का अवकलन किया, अब करेंगे कोण का, ठीक है, कोण का क्या आएगा, तो x का 1 हो जाएगा, कितना बचेगा इंटू 2 बचेगा इंटू 2, ठीक, इंटू
अब एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू आएगा, ठीक है ना, और डी एक्स। तो देखें इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा और एक एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर लॉग टू एक्स अपॉन टू बचा, ये पहले लिख ली मैंने, माइनस एक बटा दो बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन कितना बचा यहाँ पर, एक्स बचा और डी एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लॉग टू एक्स अपॉन टू माइनस एक बटे दो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू अब प्लस सी, बस हो गया, एक्स स्क्वायर लॉग टू एक्स अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर बटे दो दूनी चार अब प्लस सी। चलो स्क्रीन शॉट ले लें जल्दी। छठा क्वेश्चन देखें, छठा भी सिंपल है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और डी एक्स। तो देखो फिर से वही बन गया, एलजेब्रिक पहले है और लॉग वाला फंक्शन बाद में है। यह क्या होता है, लॉग वाला पहले होता है, एलजेब्रिक बाद में होता है, आइलेट वाले में, तो एलजेब्रिक बाद में है, तो जब एलजेब्रिक बाद में है बोले तो बीजगणित वाला बाद में, तो ये दूसरा बन जाएगा, लॉग वाला पहले होता है तो ये पहला बन जाएगा, ठीक है। अब लगा लें इसको, ठीक, मैंने कहा ना इसको हम ऐसे करके सीधा करके भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये पहला है और ये दूसरा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, पहला फंक्शन ऐसा ही, क्योंकि पहले फंक्शन का ना तो यहाँ अवकलन करेंगे ना ही समाकलन करेंगे, तो पहला फंक्शन ऐसा ही लिखेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन किसका, एक्स स्क्वायर का, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फिर पहले का अवकलन डी ओवर डी एक्स किसका, लॉग एक्स का, अवकलन किसके, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, इनटू पहले का अवकलन दूसरे का इंटीग्रेशन डी एक्स। तो थोड़ा ऐसे भी याद रखें कि दूसरे फंक्शन का हर बार में इंटीग्रेशन ही करना होता है, ठीक है। लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन में जो पावर होती है उसमें एक घात जुड़ जाती है, तो दो है एक तीन हो जाएगी, तो तीन ऊपर तीन नीचे, इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करो, लॉग एक्स का डिफरेंशियस, क्योंकि ये अपकलन हो रहा है ये समाकलन हो रहा है, तो लॉग एक्स का अपकलन क्या आएगा, वन अपॉन एक्स, इसका कितना होगा इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन थ्री और डी एक्स, ठीक है। अब तक एक एक्स ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये बचा एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, ये जो थ्री बाहर निकाल लिया, कितना बचा, एक एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है, इसको भी कर लो, तो एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, इसका कितना आएगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ जाएगी, दो है तीन हो जाएगी, तीन ऊपर तो तीन ही नीचे आते हैं, तो ये आया एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन थ्री माइनस एक्स क्यूब तीन तीया नौ और प्लस सी, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लें, सातवां क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इनवर्स आई फोर इनवर्स, इनवर्स यहाँ बाद में आया और यहाँ पहले, तो हम आईलेट में देखेंगे, आईलेट में कौन फंक्शन पहले आएगा उसको पहला मानेंगे, चाहे यहाँ इंटीग्रेशन हम भले बाद में दिया हुआ हो, ठीक है। तो इनवर्स पहला फंक्शन होगा, एलजेब्रिक इनवर्स के बाद में आया है, एलजेब्रिक इनवर्स के बाद में आया है, तो ये बाद का फंक्शन मानेंगे, ठीक है। इस पर एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो आई फोर इनवर्स, इनवर्स आईलेट वाले रूल में पहले होता है, तो इसको हमने पहले मान लिया, एलजेब्रिक फंक्शन बाद में होता है उसको हमने दूसरा मान लिया, ठीक है। तो आप इसमें लगा सकते हो कि पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का
इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट पहले का डी ओवर डी एक्स, पहले का क्या लेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, पहले का अवकलन, ठीक है पहले का अवकलन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन किसका एक्स और डी एक्स, ठीक। और ब्रैकेट के बाहर भी डी एक्स आएगा क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन है, तो ब्रैकेट के बाहर डी एक्स भी आएगा। अब इतने का कर लीजिए आप, तो साइन इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा साइन इनवर्स एक्स, अब एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये तो आप बहुत बार कर चुके हो, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है मैंने स्टार्टिंग में सब फार्मूले बताए थे जब पहली अभ्यास कराई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का जब हम अवकलन करेंगे इसका होता है वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ठीक है किसका साइन इनवर्स एक्स का। अब देखिए तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अब एक्स कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू आएगा, ठीक है और डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, आप एक काम करो अभी तो ये ऐसे रहने दो, ये एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और जो बटे में टू थे जो ये मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है बटे के टू थे वो मैंने बाहर निकाल लिए। अब इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू, यहाँ आप प्लस कर लीजिए, यहाँ प्लस कर लीजिए और एक बटे दो तो है ही इंटीग्रेशन, तो जब प्लस हमने यहाँ किया तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम क्या करें वन जोड़ लें और वन घटा लें, अपनी तरफ से वन जोड़ लें वन घटा लें और नीचे जो फंक्शन है वही रहने दें वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। इससे क्या होता है देखिए कि एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन, तो ये वाला बन जाएगा फंक्शन ऊपर, ठीक है क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, देखें ये वन प्लस का है पहले लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस का बाद में लिख दिया, ठीक है। और ये वाला जो माइनस बचा आपका ये इसको यहाँ छोड़ दें और डी एक्स, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम अलग अलग कर लें क्योंकि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर के भी बटे में और वन के भी बटे में, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग करें तो क्या होगा देखिए ये एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू ये तो रहेगा रहेगा, ठीक है, प्लस एक बटे दो इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस और ये वन के भी बटे में आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद और डी एक्स, ठीक। तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस एक बटे दो की और इंटीग्रेशन की भी अंदर गुणा कर लें तो कितना आएगा, और एक चीज़ और देखें ये वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर की घातीय कितनी हो रही है वन माइनस एक्स स्क्वायर की घातीय पूरी हो रही है, और नीचे क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर किस में है रूट में, जब ये संख्या रूट में है ऊपर इसकी घात एक है, कितनी है इसकी घात एक है, और ये रूट का मतलब घात आती है, रूट का मतलब घात आती है, तो आधी से जब ये आधी बचेगी तो ऊपर क्या बचेगी वन माइनस एक्स स्क्वायर की घात आधी, आधी का मतलब ये संख्या रूट में बचेगी। अगर समझो नहीं आ रहा तो आप फिर से देख लें इधर बता दे रहा हूँ, जैसे मान लिया दो बटे रूट दो है, सही है दो बटे रूट दो है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस दो को रूट दो गुणा रूट दो लिख सकते हैं बटे में रूट दो, तो ये कैंसिल हो गया कितना बचा रूट दो तो बचा, तो ये जो संख्या बची वो रूट में बची। ठीक उसी प्रकार से ये आधा वन माइनस एक्स स्क्वायर है, ये पूरा वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इससे आधे से आधा कट जाएगा आधा बच जाएगा, आधा का मतलब है ये फंक्शन रूट में बच जाएगा, ठीक है ना। और डी एक्स फिर माइनस एक बटे दो इंटीग्रेशन वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। अब देखिए एक ये सूत्र बना पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, वन है ना वन का स्क्वायर तो कर सकते हैं, वन का स्क्वायर कर सकते हैं, तो वन का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो वन क्या है ए अचर संख्या है, तो ए स्क्वायर माइनस ये रूल बन गया इसका,
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बन रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन एक मैंने यहाँ फार्मूला देखो लिख रखा है, सही है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा फंक्शन बन रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देख लें इसको। अब देखिए इसमें थोड़ा फार्मूला भी यूज होगा जो कि मैंने ऊपर भी लिख रखा है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ये तो सेम ऐसे छोड़ेंगे, एक बटे दो तो बाहर है ही अपना। ठीक है, एक बटे दो बाहर, या फिर आप एक काम करो कि एक बटे दो के अंदर जैसे गुणा किया हमने, गुणा कर लीजिए। ठीक, एक बटे दो, अब यहाँ से जैसे मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था कि वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इतना ही तो है ये, तो ये पूरी ब्रेकेट है, ये रूट का मतलब ये आधी ब्रेकेट है, तो ये जब आधे से आधे काटेंगे तो ऊपर कितना आधा बच जाएगा, ये इस प्रकार से बच जाएगा। इसका मतलब होगा अंडर रूट, ये जब हम काटेंगे इसे तो ये बचेगा अंडर रूट ऊपर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना बचेगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जो मैंने ये इसको लिख रखा है। ठीक, अब देखिए, अब एक बटे दो की इससे भी गुणा किया हमने, एक बटे दो इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसमें फार्मूला लगा दीजिए, तो ये क्या है देखो, ए स्क्वायर, क्योंकि मैं वन का स्क्वायर कर सकता हूँ, वन का स्क्वायर कर सकता हूँ और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन क्या है ए की जगह है, वन क्या है ए की जगह है, तो वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये और ये ए के रूप बन रहा है। ठीक है, तो इसमें फार्मूला लगा दीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस एक बटे दो। ठीक है, ब्रेकेट, अब देखो एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस है ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है वन, तो वन का स्क्वायर तो बन ही आएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू, ए की जगह वन है तो वन का स्क्वायर वन ही होगा, वन अपॉन टू, फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, ए की वैल्यू क्या है वन है। ठीक, अब देखो माइनस एक बटे दो, ये किसका है इंटीग्रेशन, ये है साइन इनवर्स एक्स का, किसका है ये साइन इनवर्स एक्स का, और प्लस सी, प्लस सी। ठीक, तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस ये एक्स से कम एक्स अपॉन फोर आया, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक एकम एक और ये दो दूनी चार हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक बटे चार, साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन, तो वन का तो कोई महत्व नहीं होगा, तो कितना आएगा साइन इनवर्स एक्स बचेगा। ठीक है, और माइनस एक बटे दो साइन इनवर्स एक्स अपॉन, एक्स अपॉन अपॉन में तो कुछ भी नहीं, तो केवल एक्स ही आएगा प्लस सी। अच्छा, इधर लिख लेते हैं थोड़ा इस साइड में, देखें तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू, ठीक है, प्लस एक्स अपॉन फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ये दोनों, तो एक बटे इन दोनों से देखो साइन इनवर्स कामन आ रही है, कितनी आ रही है साइन इनवर्स कामन आ रही है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स कामन ले लिए, कितनी बटी एक बटे चार बची, और यहाँ पर कितनी बची एक बटे दो बची, और प्लस सी। ठीक है, तो एक बटे चार को, एक बटे चार को एक बटे दो को सॉल्व करेंगे, लास्ट कितना आएगा चार आएगा, तो चार एकम चार, दो दूनी चार। ठीक है, कितना आएगा माइनस का एक बटे चार आएगा, कितना आएगा तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू, ठीक है ना, प्लस एक्स अपॉन फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो कितना बचा, ये इसको सॉल्व किया, ये बचा था माइनस एक बटे चार और साइन इनवर्स एक्स, ये बचा था प्लस सी। अब आप इन दोनों में देखें, इसमें इसमें इन दोनों में कितना कामन आ रहा है, देखिए इन दोनों में साइन इनवर्स एक्स कामन आ रहा है, तो कितना बचा एक्स स्क्वायर अपॉन टू बचा, और ये कामन आ गया कितना बचा एक बटे चार बचा। ठीक है,
प्लस एक्स अपॉन फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स इसका लास्ट कितना आएगा, चार आएगा, इन दोनों का लास्ट चार, तो दो दूनी चार तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और चार एकम चार ये बनाएगा। ठीक है, प्लस एक्स अपॉन फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बस हो गया। तो इसको पहले लिख लो, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और साइन इनवर्स अपॉन फोर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस ये एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना फोर और प्लस सी। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से। अगला क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन नंबर नाइन, इंटीग्रेशन एक्स कॉज इनवर्स एक्स और डी एक्स ये है। ठीक है, तो लगा दीजिए इसमें नियम। तो देखो इनवर्स वाला पहले है, एलजेब्रिक बाद में है, तो इनवर्स वाला पहले तो ये पहला फंक्शन, एलजेब्रिक बाद में होता है तो ये बाद का मतलब दूसरा फंक्शन। तो क्या होगा फार्मूला, पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन किसका एक्स का और डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का अपकलन डी ओवर डी एक्स किसका कॉज इनवर्स एक्स का, फिर इंटीग्रेशन, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन ना डी एक्स, फिर ब्रेकेट बंद और बाहर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए करो कॉज इनवर्स एक्स ऐसा ही, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है ना, फिर माइनस कॉज इनवर्स का कितना होगा वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किस में होता है, ये माइनस में होता है, ये किस में होता है माइनस में, फिर एक्स कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और डी एक्स। ठीक, तो ये आया एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स अपॉन टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये एक बटे दो तो बाहर निकाल लो। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर देखिए कॉज में है, कॉज इनवर्स में, तो इसमें आप कुछ मान लें तो भी हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्स बराबर कॉज थीटा मान लूँ या कॉज टी मान लूँ। ठीक है, एक्स बराबर कॉज थीटा हमने माना है यहाँ पर, तो करो अवकलन डी एक्स बराबर कितना आएगा माइनस साइन, पहले लिख दूँ डिफ्रेंसियस विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ थीटा के सापेक्ष होगा, किसके सापेक्ष होगा अवकलन थीटा के सापेक्ष, तो डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स अपॉन टू, इतना फंक्शन तो अपने ऐसे ही छोड़ेंगे एक बटे दो, इंटीग्रेशन तो एक्स बराबर क्या माना मैंने कॉज, एक्स बराबर माना कॉज स्क्वायर है तो कॉज का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉज का स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंडर रूट वन माइनस एक्स को क्या माना कॉज स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब डी एक्स के बराबर क्या आया माइनस माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये था, तो ये आया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन कॉज स्क्वायर थीटा। अब देखो वन माइनस कॉज स्क्वायर क्या होगा, वन माइनस कॉज स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर, क्या होगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा साइन थीटा, कितना आएगा साइन थीटा,
ये माइनस माइनस है ये ना, ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस इंटू साइन थीटा और डी थीटा, तो ये पहले से, तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई ना। अगले देखिए आप, तो ये बचा एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स अपॉन टू माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन। अब देखो कॉज स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, जब इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो इसका फार्मूला हमने बताया वन प्लस कॉज टू थीटा अपॉन टू, ये फार्मूला बताया था वन प्लस कॉज टू थीटा अपॉन टू और डी थीटा चल रहा है, ठीक है। चाहो तो मैं ये यहाँ बता भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, क्योंकि ये सूत्र होता है कॉज टू थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है टू कॉज स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो वन माइनस कॉज टू थीटा अपॉन टू हो जाता। अगर कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वन प्लस कॉज टू थीटा अपॉन टू हो जाएगा, क्लियर है ना। अब चलिए अगले देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स अपॉन टू, ये दो बाहर आएंगे एक बटे चार हो जाएगा, ठीक। अब इंटीग्रेशन वन और डी थीटा, फिर प्लस इंटीग्रेशन कॉज टू थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स अपॉन टू माइनस एक बटे चार, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वन का थीटा के सापेक्ष थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा, साइन कॉज का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा, तो टू थीटा जाएगा। अब कोण का आपकलन थीटा का वन कितना बचेगा, दो बचेगा, ठीक है, और प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स अपॉन टू माइनस एक बटे चार थीटा प्लस, अभी देखिए साइन टू थीटा का सूत्र होता है टू साइन थीटा इंटू कॉज थीटा और अपॉन टू, तो ये चल ही रहा है प्लस सी, ठीक है। अगले एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स अपॉन टू माइनस, ये कितना आया, थीटा कम थीटा बटे चार और माइनस प्लस, अच्छा ये दो से दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक बटे चार। अच्छा देखो साइन थीटा की वैल्यू आपको पता नहीं है लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, इतना हो गया। तो थीटा कम थीटा बटे चार है और ये माइनस प्लस माइनस हो गया है ना। तो देखो इसको हम अंडर रूट साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि साइन को जब रूट में ले जाएंगे तो स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर से रूट हटेगा तो फिर से वही आ जाएगी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें कॉस की वैल्यू पता है लेकिन साइन की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए ऐसा किया है। तो एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स अपॉन टू माइनस थीटा अपॉन फोर माइनस वन बाई फोर, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉज स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस सी। चलो थोड़ा इधर रफ करके नोट कर देते हैं, देखिए आप अपना क्या बचा है, एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स अपॉन टू थीटा की वैल्यू लगा दो, थीटा किसके बराबर है, अगर मैं यहाँ से थीटा निकालूंगा तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स एक्स, क्योंकि कॉज इधर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया माइनस कॉज इनवर्स एक्स अपॉन फोर, ठीक है, माइनस वन बाई फोर अंडर रूट वन माइनस कॉज थीटा किसके बराबर है, कॉज थीटा जो है वो एक्स के बराबर है, तो यहाँ एक्स लग जाएगा, कितना हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉज थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉज थीटा की वैल्यू देखो ये है कितनी है एक्स, तो ये एक्स आ जाएगी और प्लस सी, ठीक है। चाहो तो इन दोनों में से ये काम ले सकते हो, कॉज इनवर्स आपने काम ले लिया, कितना बचा एक्स स्क्वायर अपॉन टू बचा माइनस वन बाई फोर बचा, ठीक है, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, एक्स को पहले भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे, और प्लस सी। तो ये आएगा तुम्हारा, इसको जब सॉल्व करेंगे लासा कितना आएगा, लासा चार आएगा, ठीक है। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इतना बचा, कॉज इनवर्स जो है यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर और प्लस सी। चलिए जल्दी से नोट कर लें, थोड़ा सा हल्का सा लेंथ क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन देखिए, देखें दसवां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और डीएक्स। देखो कैसे करेंगे दसवां क्वेश्चन, तो इसको पहले हम मान लें, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लें, तो एक काम करें साइन इनवर्स को उधर ले चलते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा ये sin थीटा, x बराबर sin थीटा कर लो इसका अवकलन, डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि जो मानते हैं ना उसी के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो x का कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, sin का कितना आएगा cos थीटा और फिर d थीटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x का कितना आएगा dx / d थीटा, d थीटा और sin का cos, तो जो बटे में d थीटा था वो कैंसिल गुणा में आ जाएगा, क्लियर है ना आप। चलो तो अगले क्या आएगा देखिए, साइन इनवर्स को क्या माना, मैंने थीटा, क्या माना थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, डीएक्स किसके बराबर है कॉस थीटा और डी थीटा। अब देखिए ये आपका एलजेब्रिक फंक्शन बन गया और ये कॉस थीटा ये त्रिकोणमिति फंक्शन बन गया, तो एलजेब्रिक तो पहले होता है त्रिकोणमिति बाद में होता, तो ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है, तो फार्मूला क्या था कि पहला फंक्शन ऐसा ही, पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन किसका कॉस थीटा और डी थीटा, फिर माइनस आप क्या करेंगे पहले का अवकलन डी ओवर डी थीटा, किसका अवकलन थीटा स्क्वायर का, ठीक है, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन किसका कॉस थीटा डी थीटा, ब्रैकेट बंद और बाहर भी डी थीटा, तो थीटा स्क्वायर कॉस का कितना आएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा, अब इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा टू थीटा आएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा और डी थीटा, ठीक, तो देखो थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक, माइनस दो को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा और डी थीटा, अब देखो फिर से ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बन गया, बन गया ना बन गया, तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू को बाहर करेंगे, फिर से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगा दो, तो पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ब्रेकेट पहले का अवकलन किसका थीटा का, दूसरे का इंटीग्रेशन किसका साइन थीटा और डी थीटा ब्रेकेट बंद और डी थीटा, ठीक, तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू ब्रेकेट थीटा सही, साइन का कितना आएगा माइनस कॉस, कितना आएगा माइनस कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन थीटा कितना हो जाएगा थीटा का अवकलन हो रहा है थीटा का अवकलन, तो टी के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन वन और साइन का कितना आएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक, और डी थीटा, आप क्या करें थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू थीटा और कॉस थीटा माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस आएगा, फिर से सुन ले माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक है, तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा, थीटा भी रहेगा ना टू थीटा इंटू कॉस थीटा, अब कॉस का कितना आएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा और प्लस सी, अब देखो हमें साइन की वैल्यू यहाँ पता नहीं है, साइन की तो वैल्यू पता है लेकिन कॉस की वैल्यू पता नहीं है, तो इसको कॉस में पहले चेंज कर लें, कैसे चेंज करेंगे इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हटेगा फिर से कॉस आ जाएगा, साइन को तो सी छोड़ दो प्लस सी, तो ये थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस टू थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा और प्लस सी, तो अब वैल्यू लगा दो, थीटा वैल्यू क्या है
साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, साइन थीटा क्या है एक्स है, तो चाहो तो ये एक्स आप पहले लिख सकते हैं ठीक है, प्लस टू थीटा वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा वैल्यू क्या है, साइन थीटा एक्स है, तो ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, साइन थीटा क्या है एक्स और प्लस सी। चलिए नोट कर लें जल्दी से, बच्चों देखिए यहाँ पर ये टू छूट गया है, इसकी जैसे अंदरकोणा करेंगे तो ये टू भी आएगा, ए टू इस प्रकार से ये अंदरकोणा होगी टू ठीक है, तो ये भी ये टू आएगा और यहाँ पर भी टू आएगा, तो ये यहाँ पर भी ये टू हो जाएगा ठीक है, तो इसको नोट कर लें जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन एक्स कॉज इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स यह है ठीक है। देखिए इसमें हम क्या करें, मान लो माना कॉज इनवर्स एक्स बराबर टी मान लें, कॉज इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लें टी मान लें, थीटा मान लें वो आपकी मर्जी है, टी मान लें या थीटा मान लें, तो जो माना उसी के सापेक्ष अपरण डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू टी ठीक, कॉज इनवर्स का कितना आएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर किस में माइनस में डी एक्स बराबर डी टी ठीक है, तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स ये हो जाएगा माइनस डी टी, तो इसमें आप मान लगा दीजिए। अच्छा यहाँ से देखिए अगर आप एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉस टी हो जाएगा, कॉस यूनिवर्स जब उस पर जाएगा तो यूनिवर्स ख़त्म हो जाता है ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आएगा कॉस टी हो जाएगा, तो आप इसकी वैल्यू लगा दें, तो देखें एक्स बराबर क्या है कॉस टी, कॉज इनवर्स एक्स बराबर क्या माना टी माना, ये तो कॉज टी हो गया ठीक है, एक्स बराबर क्या है कॉज टी, कॉज इनवर्स क्या माना टी माना, तो टी पहले लिख लो आप कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डी एक्स बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर माइनस डी टी, माइनस डी टी ठीक है, तो माइनस को आप बाहर निकाल सकते हैं टी और कॉज टी और डी टी ठीक है। अब देखिए आईलेट के हिसाब से देखें तो ये त्रिकोणमिति फंक्शन है या एलजेब्रिक फंक्शन, तो एलजेब्रिक तो पहले आता है, त्रिकोणमिति फंक्शन बाद में आता है ठीक है, इसका फार्मूला आप लगा दें माइनस को बाहर छोड़ें, पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन कॉस टी का फिर डी टी माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन किसका टी का और दूसरे का इंटीग्रेशन किसका कॉस टी डी टी ब्रेकेट बंद और बाहर डी टी ठीक, तो माइनस टी कॉस का कितना आएगा इंटीग्रेशन साइन टी आएगा, माइनस इंटीग्रेशन टी का अवकलन क्या होगा वन होगा, कॉस का कितना आएगा साइन टी और क्या है डी टी ठीक। अब देखें आप माइनस टी साइन टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस का कॉस टी और प्लस सी, तो माइनस टी साइन टी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कॉस टी और प्लस सी। अब टी की वैल्यू आप लगा दें, लेकिन साइन की वैल्यू हमें यहाँ पर साइन टी की वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करें इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, देखो अंडर रूट साइन स्क्वायर लिखेंगे, चलो पूरी
बात ही लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो टी साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, वन माइनस कॉज स्क्वायर टी है तो टी आ जाएगा, एंगल क्या है टी, कॉज टी प्लस सी, ठीक। तो माइनस टी, अब वैल्यू लगा दीजिए आप, टी की वैल्यू क्या है कॉज इनवर्स, क्या है कॉज इनवर्स एक्स, अंडर रूट वन माइनस कॉज, कॉज की वैल्यू क्या है एक्स है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कॉज टी की वैल्यू क्या है एक्स है, अब प्लस सी। चलिए नोट कर लें। तो बच्चों हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, क्वेश्चन कैसे समझ में आए कमेंट्स में ज़रूर लिखकर भेजें। तो बाकी कुछ क्वेश्चन अभी से बहस के बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हों, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और सभी अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, और हमारे चैनल में जितने भी क्लासेस चल रही हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, ट्वेल्थ हो गया, टेंथ हो गया, ये सारी सारी क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर दी जा रही हैं। तो आप अच्छे से तैयारी बस करते रहिए, ठीक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।